Hello everyone, in this we are going to know about the social, political and educational reforms under the governmentship of Lord Dalhousie. अगर हम Lord Dalhousie के रूल की बात करें तो इनका रूल हमें जनरली 1848 से 1856 तक देखने को मिलता था. ये एक इम्पीरियलिस्ट थे. इन्होंने एनेक्जेशन की कोई भी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से नहीं जाने दी. ये काफ़ी एग्रेसिव एनेक्जेशन इन्होंने किया. अगर हम इनके एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो ये पर्सनली कमिटेड थे इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी को लेकर. इन्होंने जो वुड डिस्पैच एक्ट 1354 का, वो इनके रूल के दौरान ही आया. ये वुमेन एजुकेशन को काफ़ी सपोर्ट करते थे, मानते थे कि फीमेल एजुकेशन से काफ़ी मतलब ज़्यादा चेंजेस आएंगे. जो बैथ्यून वुमेन कॉलेज था उनको इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया. उसके बाद जो हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट था, इन्होंने इंग्लैंड जाने से पहले उस पर काफ़ी मतलब काम किया. ये उसमें थे. उसके बाद अगर हम इनके इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में इन्होंने कुछ मैसिव इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर काम किया. जो 350 माइल्स का इरिगेशन प्रोजेक्ट था गैंजिस कैनाल का, उसको इन्होंने कंप्लीट किया. 1853 में बॉम्बे टू थाने जो रेलवे लाइन कनेक्टेड हुई थी उस पर, वो इस दौरान कंप्लीट हुई थी. जो रेलवे रिफॉर्म्स थे उसके दौरान इन्होंने प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा एम्फोसिस दिया. उसके बाद जो पोस्ट, इन्होंने कुछ पोस्टल रिफॉर्म्स भी किए. टेलीग्राफ कम्युनिकेशन के अंदर इन्होंने 4000 माइल्स की एक लाइन कनेक्ट की जो बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास को कनेक्ट करती थी. जो पोस्टल स्टैम्पेज थी वो इन्होंने इंट्रोड्यूस की. इन्होंने जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में यूरोपियन ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए. डिपार्टमेंटल एजुकेशन पर इन्होंने फोकस किया. उसके बाद मतलब जैसे इन्होंने जो रिफॉर्म्स की उसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हुई, लेकिन उन्होंने उनकी इम्यूनाइजेशन पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था. उसके बाद अगर हम इनकी एनेक्जेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पर ध्यान दें तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग एनेक्जेशन तो किया ही था. इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का काफ़ी इस्तेमाल किया. हालांकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का ओरिजिनल फाउंडर हम लॉर्ड डलहौज़ी को नहीं मानते, बिकॉज 1824 में जो कित्तूर रेबेलियन था कर्नाटका का, उसके अंदर भी हमें कुछ ऐसे ही सिचुएशंस देखने को मिलती थी. लेकिन जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लॉर्ड डलहौज़ी ने ही मतलब मैक्सिमम इन्होंने ही इस्तेमाल इसका किया है. इसके अंदर इन्होंने सतारा, झांसी, उदयपुर, नागपुर कुछ ऐसे स्टेट्स को अनेक्स किया. उसके बाद कुछ स्टेट्स थे जैसे अवध, जिसको इन्होंने मिस गवर्नेंस के बिहाफ पर अनेक्स किया. जो इन्होंने ये एनेक्जेशन की पॉलिसी अपनाई थी, ये एक मेजर फैक्टर बनी थी 1858 के रिवोल्ट का. ये अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के साथ साथ मिलिट्री कंट्रोल भी काफ़ी हद तक करते थे इसके अंदर. थैंक यू.